पुख्ता कानून और नियम होने के बाद भी सूदखोरों के जाल में फंसे लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। सूदखोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पहले वह ब्याज में पैसे देते हैं और फिर दबंगाई से वसूलने में आदम हो जाते हैं। ऐसा ही मामला अमरपाटन में सामने आया है, जहां सूदखोर ने गुंडों के दम पर फरियादी के घर पर ताला जड़ दिया। अब परेशान पीड़ित दर दर न्याय की आस में भटक रहा है। मेहर जिले के अमरपाटन में सूदखोर सोनू खान ने स्टाम्प के जरिए राजू कोटवार को ब्याज में पैसे दिए थे। पैसे देते समय सूदखोर ने पेपर साइन करवाए थे, जिसमें उसने धोखाधड़ी कर पीड़ित के घर का बिक्रीनामा लिखवा लिया। पेपर की दूसरी फोटोकॉपी भी रज्जू कोटवार को नहीं दी गई। पीड़ित ने बताया कि वह अनपढ़ है और सोनू खान ने जहां बोला हमने दस्तखत कर दिए। माली हालत खराब होने के चलते हमने पैसे लिए थे, अब जब पैसे लौटाना चाहते हैं तो वह इनकार कर रहा है और घर पर जबरन कब्जा कर लिया है। सात आठ की तारा लगा दी, सात आठ दिन रहे सोनू, इसकी पैसा दिया था, पैसा तो दे दो भाई, दस रोज बाद पैसा तो नकिन है, दस रोज बाद जब गरीब आदमी रहा जी तो आके तारा लगा के चला गया। दस्तखत तो वही में करे नहीं, स्टाम नहीं मालूम, पढ़े लिखे तो ये नहीं आए, सोनू कराए तो ही तो पंक्ति काज करे नहीं, उनसे सहाने मंगाए तो फिर हाँ। सोनू का नंबर लिया तो सोनू के नंबर को दे, पढ़े लिखे नहीं आए। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी सूदखोर सोनू खान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। हाँ, एक आज राजू कोटवार ने FIR कराई है, जिसमें सोनू खान है पुरानी बस्ती का, उनके द्वारा मैंने बीच में इनको कर्जा दिया, 1.5 लाख रुपए कर्जा दिया था, वो वापस करने पे विवाद होने पे ये उनके घर में ताला लगा के आ गए थे, तो उसमें एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है कर्जा एक्ट और संबंधित IPC की धारा का। हाँ, आरोपी गिरफ्तार हो गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।